नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीग्राथ स्टूडियोज़ की एक और नई पेशकश में। दोस्तों, भारत की सबसे मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज जिसका नाम है सेक्रेड गेम्स, जिसका सेकंड सीजन आ रहा है। भारतीय जनता, बीजेपी नहीं, जो इंडिया की आबादी है, जो बॉलीवुड के दर्शक हैं, जो सिने प्रेमी हैं, इसका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं लास्ट सीजन के रिलीज होने के बाद, यानी कि पहले सीजन के बाद, क्योंकि पहला सीजन इतना दमदार, इतना धमाकेदार, इतना मसालेदार था कि लोगों को काफ़ी पसंद आया। यही वजह है कि लोग इसके दूसरे भाग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो तकरीबन 2 से 3 दिन पहले एक छोटा सा वीडियो नेटफ्लिक्स ने अपनी ऑफिशियल साइट पर जारी किया था कास्ट को लेकर। तो उस कास्ट को लेकर जो पब्लिक रिएक्शन है, जो लोगों के रिएक्शन आए, जो इस वेब सीरीज को पसंद करते हैं उन लोगों के रिएक्शन हम आपको बताते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले स्वयं नेटफ्लिक्स ने कमेंट किया है। तो खुद नेटफ्लिक्स ने लिखा है, खेल चाहे जितना भी कठिन हो, गुरुजी के पास सारे उत्तर होते हैं। गुरुजी यानी कि पंकज त्रिपाठी। हालांकि उनका रोल पहले पार्ट में इतना नहीं था, उनका चेहरा कम दिखाई दिया, लेकिन सेकेंड पार्ट में वो छा जाने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा उनके दर्शकों का भी मानना है। हल्क लिखते हैं, ये इंडियन हल्क है हालांकि, जिन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है, हैप्पी टू सी रणवीर शौर्य, ही इज अ ग्रेट एक्टर एज वेल। जी हाँ, इन्होंने सही लिखा है, रणवीर शौर्य वाकई बहुत उम्दा और गजब के एक्टर हैं। मैंने उनकी एक फिल्म देखी थी, चांदनी चौक टू चाइना, जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ थे, जिसमें उन्होंने चाइनीज गुरु का रोल निभाया था, गजब का कमाल। हालांकि उन्होंने हर फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की है। तो उसके बाद निक बिस लिखते हैं, जो मजा कमेंट पढ़ने में आता है ना, कसम से वो किसी बात में नहीं आता। ये बात सच है, क्योंकि कमेंट्स पे लाखों और हजारों तरीके के लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है और वो ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं ना, अगर उन कमेंट्स को उठा के डायलॉग भी बना लिया जाए तो कम नहीं होगा। तो इनकी बात 101% सही है। तो वही अंकित अग्रवाल लिखते हैं कि जो सेक्रेड गेम्स है ना, ये इंडिया का गेम ऑफ थ्रोन्स है। ये बात भी सच है, इसमें भी कोई दोराही नहीं है। तो इसके बाद कृष्ण मेहता लिखते हैं, अच्छा लिखा है उन्होंने, बंटी आफ्टर वॉचिंग द वीडियो एंड डिडंट फाइंड हिमसेल्फ इन द ट्रेलर, ही बी लाइक, जैसे बंटी ने अपने आप को ट्रेलर जो वीडियो आया उसमें नहीं देख पाया, जो कास्ट का वीडियो है, कास्ट रिवील हुई है, तो बंटी का रिएक्शन क्या होगा। हाँ, बंटी तो चूतिया है ना। तो इन्होंने भी काफी अच्छा लिखा है। तो वही इमरान मीर लिखते हैं, रणवीर शौर्य फाइनली गॉट हिज वेल डिजर्व प्लेस। ये सच बात है, लेकिन इससे पहले भी जहां उन्होंने काम किया है, जो भी जगह मिली है, उसमें भी वो दमदार रहे हैं। तो वहीं विवेक चौहान लिखते हैं, मी टू नेटफ्लिक्स, जैसे गपागप वाले सीन सीजन 1 में थे, वैसे सीजन 2 में होंगे। नेटफ्लिक्स मतलब मी मतलब मेरा। वही जो आप समझ गए। तो वहीं वरुण खंडारी लिखते हैं, पंकज त्रिपाठी इज द न्यू राधिका आप्टे ऑफ स्ट्रीमिंग शोज। सच बात है, क्योंकि पहले नेटफ्लिक्स की एक ही पहचान हुआ करती थी इंडिया में, राधिका आप्टे। हर वेब सीरीज में राधिका आप्टे थी, लेकिन उनके बाद हर दूसरी वेब सीरीज में नेटफ्लिक्स की में और भी दूसरी में, अमेजोन वगैरह की में, सिर्फ और सिर्फ पंकज त्रिपाठी दिखाई दे रहे हैं। तो इनका भी कमेंट काफ़ी सही है। बाकी आते हैं, आदर्श कुमार गुप्ता लिखते हैं, माई रिएक्शन व्हेन आई सी पंकज त्रिपाठी, अरे गुरुजी आप। तो इनका भी कमेंट काफी अच्छा है। तो वहीं सिद्धार्थ नायर लिखते हैं, पंकज त्रिपाठी इज द ट्रेडमार्क ऑफ एक्सीलेंसी। सच बात है, 100% खरे सोने की तरह, 24 कैरेट गोल्ड की तरह। तो वहीं भाविक पांड्या लिखते हैं, फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग पीपल टॉकिंग मोर अबाउट समवन एल्स इंस्टेड ऑफ नवाज इन नवाज शो, पंकज त्रिपाठी यू डिजर्व इट। ये बात सच है। तो एक्सपोर्ट टैग लिखते हैं, हालांकि इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, ये कुछ साइंस की तरह नाम है। तो कभी कभी लगता है कि नेटफ्लिक्स वाले ही भगवान है। काफी अच्छा लिखा है इन्होंने, जो लिखा क्या है, जोक है, काफी अच्छा है। तो वहीं सागर चंदवाकर लिखते हैं, पंकज त्रिपाठी इज द डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ सेक्रेड गेम्स सीजन 2। ये भी सही है। तो वहीं अविनाश शुक्ला जी लिखते हैं, वेटिंग फॉर नवाज वर्सेस पंकज सिंस गैंग्स ऑफ वासेपुर 2। ये भी सही है।
बिट्स प्लानी लिखते हैं द म्यूजिक इज सो इनक्रेडिबल। शायद म्यूजिक आपने सुना भी होगा और ये वाकई है, म्यूजिक बहुत उम्दा है, जो टीजर का म्यूजिक है काफी शानदार है। तो वही कर्णिका आहूजा लिखती है दिस इज कंटेंट फॉर विच आई पे माई इंटरनेट बिल। देखिए लोगों में किस कदर का जुनून है, किस कदर की चाहत है इस वेब सीरीज को लेकर कि लोग स्पेशली इस वेब सीरीज के लिए अपने नेटफ्लिक्स के और भी जो साइट्स हैं उनका इंटरनेट बिल पे करते हैं। तो वही आनंद साहू लिखते हैं द मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज इन इंडिया राइट नाउ। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनके दर्शक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं काफी, यहां तक कि मैं खुद बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि ये कब रिलीज हो। तो वही राजकुमार जी लिखते हैं गायतोंडे अपुन इधर छे है। केजरीवाल मतलब गायतोंडे मतलब मेरा वही। तो बरबारिया जी लिखते हैं, तो वही ये हमारे दर्शक लिखते हैं बरबारिया जी सर्वशक्तिशाली गायतोंडे इज बैक, सही लिखा है। तो हर्षित कुमार लिखते हैं व्हाट हैपेंड इफ देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन गायतोंडे एंड केजरीवाल। तो हमारे एक दर्शक लिखते हैं हरजीत ब्रार कि वेयर इज द नेटफ्लिक्स गर्ल राधिका आप्टे। भाई राधिका आप्टे लास्ट सीजन में मर चुकी है, देखा ही होगा, गोली खाई उसने माथे पर, हो सकता है उसका भूत आ जाए सेकंड में या और किसी तरीके से क्वांटम फिजिक्स की तरह, जैसे कि जो अभी हॉलीवुड की मूवी आई थी उसकी तरह जिंदा होकर इसमें आ जाए, तो ऐसा ही हो सकता है, बाकी तो नहीं हो सकता। तो वही रतन लाल जी लिखते हैं भाई इसमें गाली होगी ना। भाई ऑफकोर्स होगी, 100% गाली होगी और पहले से उम्दा और बढ़िया गाली होंगी जो लोगों को काफी इंटरटेन करेंगी। तो इसमें विशाल दुबे जी लिखते हैं फाइनली आई गॉट अ सीरीज विदाउट राधिका आप्टे, सीम्स अलाइक कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर नाउ। अरे भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट ओवर नहीं हुआ है राधिका आप्टे का, वो जैसे पहले नेटफ्लिक्स के लिए काम करती थी और नेटफ्लिक्स गर्ल के नाम से जानी जाती थी, वो आज भी जानी जाती है, वो किसी न किसी अगली वेब सीरीज में जरूर दिखेगी। तो वही फैजान खान लिखते हैं टाइम टू रिस्टार्ट माई नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। और वहीं एक दर्शक लिखते हैं जिनका नाम है फैजान खान टाइम टू रिस्टार्ट माई नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। तो भाई ज़रूर स्टार्ट कीजिए और जल्दी ही कीजिए। तो और वहीं जितेंद्र प्रजापति लिखते हैं इस बार कुक्कू का जादू चलेगा या नहीं चलेगा, भाई पूरा चलेगा। और वहीं एक हमारे दर्शक हैं प्रैंक किंग, वो लिखते हैं बंटी तो चूतिया है जो उसको कहीं नहीं डाला। वही कास्ट वाली वीडियो में बंटी नहीं है तो बंटी का रिएक्शन आता है कि बंटी तो चूतिया है ना जैसे नहीं डाला, तो बंटी है पता नहीं उसमें आएगा या नहीं आएगा, वो तो खुदा ही जाने या फिर नेटफ्लिक्स वाले ही जाने। और वहीं हमारे एक आखिरी दर्शक हैं मंजीत सिंह, ये लिखते हैं कि जो बांग्लादेश के सुपरस्टार हैं अलूम, शायद आपने जानती होंगे वो सिंगल पसली हड्डी सुपरस्टार हैं बांग्लादेश के जिनकी काफ़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है, अगर वो सेक्रेट गेम्स में विलन हो तो क्या होगा। भाई कुछ नहीं होगा, लोग हंसते हंसते मर जाएंगे, ऐसा विलन आज तक हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है और नहीं भी होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, है हमारी पब्लिक का और हमारे दर्शकों का रिएक्शन। तो दोस्तों अगर आपके मन में वेब सीरीज या फिल्म से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें, हम उसका जवाब अगले दिन की वीडियो में देंगे जिसका नाम होगा पॉलीग्रेट Q&A, यानी कि पॉलीग्रेट क्वेश्चन एंड आंसर। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राट स्टूडियोज़।